दोस्तों, आपकी लाइफ में एक ऐसी लड़की है जिसे आप पाना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, उसे अपना बनाना चाहते हो, लेकिन वो आपसे नहीं इम्प्रेस हो रही है। तो भाई, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे भाई आप उसके हीरो बन जाओगे लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई, आप ऐसा कर सकते हो और उसे इम्प्रेस भी कर सकते हो। सिर्फ एक काम आपको करना है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, जब भी हम किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उसे पाने की कोशिश करते हैं, तब जब हम उससे बात करने जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, या हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत पहले से चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो हम एक दो बातें ही बोलते हैं और बाकी हम सोचने लगते हैं यार इसे क्या बात करें। और हम डेली का कुछ ना कुछ जो करना चाहते हैं, हम पहले से ये सोचते हैं यार कल मैं उस लड़की से मिलूंगा ना तो भाई मैं पक्का ये बात जरूर बोलूंगा, और जब कल यार मैं उससे मिलूंगा ना तो मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगा और सच में वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मतलब पूरा प्लान हम एक दिन पहले तैयार कर लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यार ये काम मैं 100% करूंगा। लेकिन जब हम उसके मिलने का टाइम होता है तब हम कंफ्यूज होते हैं, यार मैं क्या करूं और क्या बात करूंगा इससे, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब आप सोचने लगते हो। लेकिन भाई, आपको निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम ये करना है कि आप जो भी सोचोगे और जो भी उसके साथ करोगे या जो भी बात करोगे, उससे पॉइंट टू पॉइंट एक डायरी में नोट करोगे। जैसे कि मान लिया मैं कल किसी लड़की के पास डेट पे जाना है और मुझे क्या क्या बात करनी है, उसकी दो तीन कॉपी बना लूंगा, ठीक है। मुझे साथ नहीं ले जानी है, बस लिखना है डायरी में, पॉइंट नोट करना है कि यार मुझे ये बात बोलनी है, ये नहीं, ये वाली अच्छी नहीं है, ये वाली बात बोलनी है उसकी, इसकी तारीफ करनी है, उसके बताना है कि यार आपकी आँखें बहुत बढ़िया हैं, अच्छी लगती हैं, और उसे ये बोलना है कि आप जो भी कलर पसंद करती हो ना वो बहुत ही प्यारा है, मुझे भी वो कलर बहुत पसंद है। ऐसी दो तीन बातें आपको नोट कर लेनी है और बाकी जब आप उन बातों से शुरुआत करोगे ना तो भाई एक्स्ट्रा काफ़ी बातें अपने आप निकलती रहती हैं। जैसे कि आपने उसके आईज के बारे में बोला कि आपकी आँखें बहुत स्वीट है, आप बहुत अच्छी लगती हैं, तो भाई वो बोलेगी कि मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं आपकी अपनी आँखों के लिए, बचपन से मेरी आँखें ऐसी हैं। तो भाई आपको बताएगी, आप बोलना कि हाँ बचपन से ही मुझे लगता है कि आपकी आंखें नेचुरल अच्छी हैं, आपको मुझे लगता भी नहीं कि आप उससे ज़्यादा मेकअप वगैरह करती हो। काफ़ी ऐसी लंबी बातें हो सकती हैं, इससे आपको पता है हर दिन की बात नोट कर लेनी है। अगर आप जिस भी लड़की से जो बात करते हो, अगर आप वो बात नोट कर लेते हो ना, तो भाई होता क्या है कि आपको याद रहता है कि मैंने पिछली बार ये बात बोली थी और उसे इस बात पर बुरा भी लगा था, ये बात उसे बुरी फील हुई थी, आज मैं उससे कुछ अलग हटके बात करूंगा, ये वाली बात करूंगा, ये नहीं करनी है मुझे बात, ये सारा का सारा आपको याद रहता है। और भाई इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। कुछ लोग दोष देते हैं दूसरों को कि यार उसकी गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है, मैंने क्या गलत बोला कि वो मुझे छोड़ के चली गई। भाई आपकी बातों में जो होता है ना वो भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो भाई आपको अपने लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके लिए आपको अपनी बातें नोट करनी होंगी। और भाई बहुत बड़ा आइडिया है ये, मैंने खुद यूज़ किया है, लोगों को मैं ही मैंने बताया था, पर्सनली अपने फ्रेंड्स को बताया, वो अगर नोट करते हैं अपनी बातों को तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। तो भाई प्लीज़ मैं आपको ये जो सजेस्ट कर रहा हूँ आप अच्छे से यूज़ करो इस पॉइंट को, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। अगर आप अपनी डायरी में पॉइंट नोट कर लेते हो कि यार मुझे कल क्या करना है और क्या बात करनी है, तो भाई आप उससे भूलते नहीं हो, आपको पता होता है कि यार मुझे कल उससे मिलना है, उससे ये वाली बात करनी है। अगर किसी कारणवश कैंसिल हो जाती है कोई बात तब तो अलग बात है, लेकिन आप 100% उससे वही बोलते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी होती है, आप पूरी तरीके से मतलब तैयार होते हो क्या बोलना है उससे, और आपने एक दिन पहले ही सब कुछ सोच लिया होता है। तो इससे क्या होता है ना, जब हमें कोई और भी काम होता है, जैसे कि मान लो मैं कल लड़की से ये बात बोलने वाला था, लेकिन पता है जब कॉलेज गया तब कुछ ऐसा हो गया कि मैं उससे वो बात नहीं बोल पाया और अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, तो इससे क्या होता है मुझे अपनी बात जो मैं कहने वाला था वो भी भूल जाता हूँ और मुझे लड़की से मिलना था वो भी भूल जाता हूँ। लेकिन अगर मेरी डायरी में नोट किया होता है कि यार मुझे इससे ये बात करनी है और परसों ये बात करनी है जिससे मैं इसके दिल में जगह बना पाऊँ, तो भाई आप कैसे भी टाइम निकालने की कोशिश करोगे कि आज मैं इससे ये बात बोल के ही जाऊँगा कॉलेज से, या मैं और किसी जगह, अगर आपके मोहल्ले में है तो मोहल्ले की बात लो, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ आप उससे कुछ बोलना चाहते हो, तो अगर आप नोट की भी बात बोलते हो तो भाई 100% आपका काम हो जाता है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक तो जरूर कर देके जाना। धन्यवाद।